हे गाइस, दिस इज मोहित शर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? बेटर? ओके, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे नए लेक्चर में। गाइस, जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोगों ने हमारे अपकमिंग दिसंबर 2019 में होने वाला जो यूजीसी नेट का एग्जाम है, उसके लिए हम लोगों ने ऑनलाइन बैच जो है वो शुरू कर दिया है। जो बच्चे रिमोट एरिया में बैठे हैं, इनफैक्ट हमारे वैसे दोनों ही बैच शुरू हो गए हैं, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। अगर आप हमारा फेस टू फेस बैच लेना चाहते हैं तो आप हमारे हिसार के अंदर जो है, जो हमारा ऑफलाइन सेंटर है, यहाँ पर भी आ सकते हैं। और जो बच्चे रिमोट एरिया में बैठे हैं और जो बेचारे हिसार में नहीं आ सकते, तो उन बच्चों के लिए हम लोगों ने जो है वो ऑनलाइन बैच स्टार्ट किया हुआ है। तो ऑनलाइन बैच के अंदर जो है शुरू के तीन लेक्चर जो है वो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो है वो बारी आती है लेक्चर नंबर 4 की। पहले तीन लेक्चर जो है हम लोगों ने उसमें क्या पढ़ा था, हम लोगों ने इंटरनेशनल बिजनेस का मीनिंग क्लियर किया था, इंपोर्ट क्या होता है, एक्सपोर्ट क्या होता है, इंटरपोर्ट क्या होता है, ये मीनिंग क्लियर किया था। फिर इंडिया का डेफिनेशन जो है वो भी पढ़ा था एज पर द कस्टम एक्ट। लेक्चर नंबर 2 के अंदर जो है वो आप लोगों को मैंने बताया था क्या क्या क्या, वो बताया था बैरियर्स के बारे में। तो इंपोर्ट के ऊपर लगने वाले जो बैरियर हैं वो दो तरह के होते हैं, वन इज अ टैरिफ बैरियर, अदर वन इज अ नॉन टैरिफ बैरियर। टैरिफ बैरियर वो बैरियर होता है जिनका इंपैक्ट पड़ता है किसके ऊपर, टैरिफ बैरियर का इंपैक्ट पड़ता है सर प्राइसेस के ऊपर, ओके। एंड नॉन टैरिफ बैरियर का इंपैक्ट पड़ता है किसके ऊपर, उनका पड़ता है सर क्वांटिटी के ऊपर। जी, दोनों बैरियर हम लोगों ने पढ़ लिया था। देन लेक्चर नंबर 3 के अंदर जो है वो हम लोगों ने थोड़ी सी और जो है वो बातें करनी शुरू करी थी, जिसके अंदर बेसिकली एक तो मैंने आपको कस्टम लॉ के बारे में बताया था। तो अपने इंडिया के अंदर इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर लगने वाला जो एक एक्ट है वो है कौन सा, वो मतलब कस्टम लॉ है। अब कस्टम लॉ के अंदर बेसिकली तीन तरह के लॉ आ रहे हैं आपके, जो आपका कस्टम लॉ है उसमें तीन तरह के लॉ जो है हम लोग यहाँ पे आपका हम लेके चलते हैं। और वो कौन कौन सा, एक तो है आपका कस्टम एक्ट, कस्टम एक्ट 1962। इसके अलावा कस्टम एक्ट के अलावा जो है एक है अपना कौन सा, कस्टम टैरिफ एक्ट 1975। और एक है अपना कौन सा FTDR, फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1992। तो अपने इंडिया के अंदर फॉरेन ट्रेड को गवर्न करने के लिए अपने इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा जो है वो प्रोवाइड की जाती है क्या, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। और जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी अपनी इंडियन गवर्नमेंट जो प्रोवाइड करती है, उस फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को बनाने की जो पावर है इंडियन गवर्नमेंट को मिली है अंडर द FTDR, मतलब फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1992 के अंडर। यहां तक ओके है क्या? जी सर। अब सर हमने ये तो पढ़ लिया था कि टोटल मिला के जो है वो 195 नेशन जो है पूरे वर्ल्ड में, जिनमें से एक कंट्री इंडिया है, इंडिया के अलावा जितनी बची वो सारी क्या है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है। अब अगर मान लीजिए कोई इंडिया की फर्म है, मान लीजिए मतलब होम बेस्ड फर्म, मैं इंडिया के अंदर रहता हूं तो इंडिया की फर्म इज माई होम बेस्ड फर्म। अगर कोई होम बेस्ड फर्म जो है वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के अंदर आने वाले किसी फर्म के अंदर जो है वो एंट्री मारने की सोच रही है, मान लीजिए कोई होम बेस्ड फर्म है और वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के अंदर जो है वो क्या कर रही है, एंट्री मारने की सोच रही है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में से किसी एक कंट्री में एंट्री मारने की सोच रही है, तो एंट्री मारने के लिए उसके पास कई सारे मोड जो है वो क्या है, अवेलेबल है। कई सारे मोड जो है वो क्या है, अवेलेबल है। सारे मोड को मिला मुलो के हमने तीन पार्ट्स के अंदर जो है वो क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। तो आज जो है हम लोगों ने पढ़ना है मोड्स, कौन कौन से ऐसे वे हैं, कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिनके थ्रू एक होम बेस्ड फर्म जो है वो होस्ट कंट्री के अंदर क्या कर सकती है, एंट्री मार सकती है। तो उसके बारे में आज अपने को थोड़ी सी चर्चा करनी पड़ेगी। करें शुरू? बोलो। जी सर, आइएगा शुरू करते हैं। तो टॉपिक जो है अपना वो क्या है, देखिएगा टॉपिक है मेरा क्या, हाउ टू एंटर इन द इंटरनेशनल बिजनेस। किस तरह से एक फर्म जो है वो इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर जो है वो क्या करती है, एंट्री मारती है। तो इंटरनेशनल बिजनेस में एंट्री मारने के कई सारे मोड अवेलेबल हैं अपने लिए। पेपर में क्या आ सकता है, पेपर में या तो क्या करेगा, कई सारे इन मोड को शफल कर देगा, ठीक है, शफल करके बोलेगा कि बताइए इनमें से ट्रेड रिलेटेड मोड कौन सा, इनमें से इन्वेस्टमेंट मोड कौन सा, इनमें से जो है वो कॉन्ट्रेक्चुअल मोड कौन सा, ऐसा भी आ सकता है। या स्पेसिफिकली किसी मोड को पूछ के बैठ जाए, जैसे काउंटर ट्रेड क्या होता है, जैसे पूछ ले काउंटर परचेस क्या होता है, कुछ इस तरह से। या फिर मान लो स्ट्रेटेजिक अलायंस क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है, इंटरनेशनल लाइसेंसिंग क्या होता है, इंटरनेशनल फ्रेंचाइजी क्या होता है, हर एक का मीनिंग भी पूछ के बैठ सकता है। तो अपने को करके क्या जाने का है, अपने को पढ़ के जाना है कि इस तरीके से कि एक तो अपने को पता चले कि कौन सा मोड किस पार्ट के अंदर जो है उसको बाइफर्केट किया गया, मतलब किस पार्ट के अंदर आता है। और दूसरा अपने को जो पढ़ के जाना है वो ये पढ़ के जाना है कि किस मोड का मीनिंग क्या है, हर एक मोड का मीनिंग क्या है। तो आज के लेक्चर के अंदर हम लोग जो है वो शुरू करते हैं सबसे पहले कौन सा, ट्रेड रिलेटेड मोड को। लेकिन मैं एक बार के लिए इसको करने के लिए पहले आपको कुछ इसका बेस बताता हूं। देखिएगा क्या है, टॉपिक का नाम जो था वो अपना क्या था, हाउ टू एंटर, किस तरह से हम क्या करेंगे जी, एंट्री मारेंगे। किस तरह से क्या करेंगे, एंट्री मारेंगे, मतलब मैं एक इंडियन फर्म, होम बेस्ड फर्म, किस तरह से एक होम बेस्ड फर्म जो है वो होस्ट नेशन में क्या करेगी, एंट्री करेगी। तो उसके लिए क्या देखना पड़ेगा, हाउ टू एंटर इन द इंटरनेशनल बिजनेस, इसके लिए आपके पास में कई सारे मोड जो है वो क्या है, अवेलेबल है। पहला जो मोड है वो कौन सा आपका, ट्रेड रिलेटेड। पहला जो मोड है वो कौन सा आपका, ट्रेड रिलेटेड। दूसरा जो मोड है वो है जी कौन सा आपका, कॉन्ट्रेक्चुअल मोड। सेकेंड मोड इज द कॉन्ट्रेक्चुअल मोड, एंड थर्ड वन इज द
इन्वेस्टमेंट मोड, और तीसरा जो मोड आपके पास में अवेलेबल है वो कौन सा आपका इन्वेस्टमेंट मोड। ये बात समझ में आ रही है क्या? जी सर, तीनों मोड को तीन लेक्चर के अंदर करेंगे। तो आज पढ़ेंगे आप कौन सा, पहले अपना ट्रेड रिलेटेड मोड। इसके लिए मैं कुछ एक स्पेशल बात और आपको बताना चाहता हूं। यहां पे देखिएगा, तीन मोड आपके पास में अवेलेबल है, आपका जब मन चाहे आप कोई भी मोड को जो है वो क्या कर सकते हैं, अडॉप्ट कर सकते हैं। बट द क्वेश्चन इज कि मैं कौन से मोड को शुरू में अडॉप्ट करूंगा। भाई मेरे पास में सर आपने तो बता दिया, एक मोड तो मेरे पास में अवेलेबल है कौन सा, ट्रेड रिलेटेड वाला। एक है हमारे पास में अवेलेबल कौन सा, कॉन्ट्रेक्चुअल वाला। एंड थर्ड वन इज द इन्वेस्टमेंट मोड। बट कौन से मोड को फॉर्म जो है वो स्टार्टिंग के अंदर क्या करती है, सिलेक्ट करती है। देखिएगा, जब आप स्टार्टिंग के अंदर, स्टार्टिंग फेज के अंदर, जब आप इंटरनेशनल बिजनेस या स्टार्टिंग फेज में आएंगे, तो कोई भी फॉर्म हो वो ये चाहती है कि हम रिस्क ना उठाएं, रिस्क हमारा कम से कम रहे। पहले ये तो देखें कि फॉरेन में जा तो रहे हैं, अपना सामान हम पहले इंडिया डोमेस्टिक लिए बना बना के सेल कर रहे थे। अब अगर हम फॉरेन में जा रहे हैं तो पहले एक बार ये पता तो चले ना कि क्या फॉरेन में हमारे सामान की मार्केट भी अवेलेबल है या नहीं है। तो उसके लिए कंपनी जो है वो बेसिकली क्या करती है, कंपनी स्टार्टिंग में क्या करती है, एक्सपोर्ट करती है। मतलब प्रोडक्शन तो हो रहा है कहाँ पे, होम कंट्री में, लेकिन सामान को बना बना के एक बार के लिए क्या करेंगे जी, एक्सपोर्ट करेंगे। एक्सपोर्ट करेंगे कहाँ पे, होस्ट नेशन में। जिससे होगा क्या कि जब आपके पास एक्सपोर्ट के ऑर्डर आएंगे तो आपको थोड़ा सा ज्ञान होना शुरू हो जाएगा कि एक्चुअल के अंदर जो है आपके प्रोडक्ट की मार्केट अवेलेबल है या नहीं है। तो स्टार्टिंग फेज के अंदर कंपनी जो है बेसिकली जो है वो लेके चलती है क्या, ट्रेड रिलेटेड मोड को। किसको लेके चलती है, ट्रेड रिलेटेड को। जब कंपनी को ऐसा लगता है कि फॉरेन के अंदर अच्छी मार्केट हो रही है, तो कंपनी फिर क्या करेगी, दूसरे लोगों के साथ में कॉन्ट्रैक्ट करती है। क्या करते हैं, दूसरे लोगों के साथ में कॉन्ट्रैक्ट करेगी। उसको वहां पे कई सारे मोड आपके पास में आ जाएंगे। मतलब हम यहां पे क्या करेंगे, फॉरेन का एक पार्टनर है उसको भी लेके आएंगे। तो मतलब होम बेस्ड फर्म और फॉरेन बेस्ड फर्म दोनों मिलकर के क्या करेगी, अपने अपने स्ट्रेंथ्स को यूज करती है। तो वहां पे हम पढ़ने वाले कौन से, कॉन्ट्रैक्चुअल मोड। और जब कंपनी को ऐसा लगता है, जैसे मान लो अगर मैं एग्जांपल लेके जाता हूं इंडियन कंपनी का, जब इंडियन कंपनी को ऐसा लगता है कि यूएस की मार्केट बहुत डेवलप्ड है, बहुत जबरदस्त मार्केट है, और यूएस में हमारे सामान की जो है वो बहुत अच्छी डिमांड होने वाली है, तो फिर आखिरी के अंदर जो है कंपनी क्या करेगी, अपना सब्सिडियरी वहां पे जाके खोल देगी। दैट मोड इज नोन एज कौन सा, इन्वेस्टमेंट मोड, जिसके अंदर बेसिकली हम लोग जो है वो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की चर्चा करेंगे। तो ओवरऑल मिलाकर के अगर मैं बात करता हूं, तो हमने यहां पे ये पढ़ा है कि मोड्स के नाम पे आपके पास में जो है तीन तरह के मोड जो है वो क्या है, अवेलेबल है। वन इज अ ट्रेड रिलेटेड, बोलो, मैंने कल बोला था ना कि बोलना पड़ेगा साथ में, बोलो कौन सा, ट्रेड रिलेटेड मोड। दूसरा कौन सा, बोलो दूसरा कौन सा, कॉन्ट्रैक्चुअल मोड। एंड थर्ड वन इज द इन्वेस्टमेंट मोड। तो टोटल मिला के मोड के नाम पे कितने हो गए आपके पास में, तीन हो गए। कंपनी सर जब कोई भी कंपनी जब इंटरनेशनल बिजनेस करना स्टार्ट करती है तो उसके स्टार्टिंग वो कौन से मोड को लेके चलती है, तो स्टार्टिंग के अंदर कंपनी जो है वो लेके चलती है किसको लेके चलती है सर, वो लेके चलती है ट्रेड रिलेटेड को। जब कंपनी का थोड़ा सा बिजनेस बढ़ता है तो फिर कंपनी जो है वो लेके चलती है किसको, इन्वेस्टमेंट कॉन्ट्रैक्चुअल मोड को। और उसके बाद जब कंपनी को लगता है कि फॉरेन मार्केट बहुत ज्यादा कैपेबल है, तो फिर कंपनी लास्ट में लेके चलती है किसको, इन्वेस्टमेंट मोड को। ओके क्या जी सर, आइएगा एक बार पहले मैं आपको नाम दिखा दूं क्या क्या है। सबसे पहले जी आपका कौन सा, ट्रेड रिलेटेड मोड। ट्रेड रिलेटेड मोड में सबसे पहले नंबर पे जो आएगा वो है जी कौन सा, एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट दो तरीके का है, एक है आपका डायरेक्ट और एक कौन सा आपका, इनडायरेक्ट। दूसरे नंबर पे जो है वो आएगा क्या, पिगी बैकिंग। तीसरे नंबर पे जो है वो आएगा क्या, काउंटर ट्रेड। और चौथे नंबर पे जो आएगा वो क्या आएगा जी, ई कॉमर्स। तो ट्रेड रिलेटेड मोड के अंदर बेसिकली जो है वो चार तरह के मोड जो है वो क्या है, अवेलेबल है। एक है आपका एक्सपोर्ट, एक है आपका पिगी बैकिंग, एक है आपका काउंटर ट्रेड, और एक है कौन सा आपका, ई कॉमर्स। इसके बाद में आगे जो है कॉन्ट्रैक्चुअल मोड। कॉन्ट्रैक्चुअल मोड के अंदर बेसिकली जो है वो सेवन टाइप्स के मोड जो है वो आपके पास में क्या है, अवेलेबल है। एक है कौन सा, इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक अलायंस। एक है इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। एक है इंटरनेशनल मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट। एक है टर्नकी प्रोजेक्ट। एक है इंटरनेशनल लीजिंग, फिर लाइसेंसिंग और फिर फ्रेंचाइजी। और तीसरा जो मोड है हमारे पास में कौन सा, इन्वेस्टमेंट मोड। उसके अंदर हमारे पास में जो है वो अवेलेबल है चार तरह के। एक है ओवरसीज असेंबली एंड मिक्सिंग। कौन सा, ओवरसीज असेंबली एंड मिक्सिंग। एक है आपका जॉइंट वेंचर। एक है होली ओन्ड सब्सिडियरी। और एक है कौन सा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो इनके बारे में अपने को चर्चा करनी पड़ेगी। तो आइएगा हम लोग शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला जो मोड है वो कौन सा आपका, ट्रेड रिलेटेड। आइएगा मोड ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस एक्सपेंशन। सबसे पहला मोड कौन सा, ट्रेड रिलेटेड मोड। अब क्या बोलता है देखिएगा, एक्सपेंशन मोड है क्या है? पहली बात तो है क्या जी, ये है जी एक एक्सपेंशन मोड। एक्सपेंशन मोड डेट एम्प्लॉय, जो एम्प्लॉय करता है सम फॉर्म ऑफ ट्रेड टू एक्सपेंड द बिजनेस। अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए जब आप किसी तरह का जो है वो क्या करते हैं, व्यापार करते हैं, कोई ट्रेड करते हैं, तो ऐसे मतलब फॉरेन कंट्री में जाकर के ऐसे मोड को बोलते हैं हम लोग क्या, ट्रेड रिलेटेड मोड। एज फाइनेंशियल नीड एंड द रिसोर्स कमिटमेंट आर लेस। जैसा कि हम जानते हैं कि अगर ट्रेड
एक्टिवेटेड मोड के अंदर जो हमारी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स है वो बहुत ही क्या होती हैं, कम होती हैं, साथ में रिस्क भी बहुत ही क्या होता है, कम होता है। हाईली सुटेबल है फॉर द साइमल्टेनियस एक्सपेंशन इन द जियोग्राफिकली डाइवर्स कंट्री। ट्रेड रिलेटेड मोड आर एडॉप्टेड इन द इनिशियल ये लाइन का रट्टा मर के जाना, ट्रेड रिलेटेड इनिशियल फेज ऑफ इंटरनेशनलाइजेशन। जब एक कंपनी जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे डील करना स्टार्ट करती है तो उसके इनिशियल फेज के अंदर हम जो है वो ट्रेड लिट मोड को लेकर चलते हैं। मोर ओवर द लो एग्जिट कॉस्ट, यहाँ पे एग्जिट कॉस्ट जो है वो क्या होती है, बहुत ही कम होती है। मतलब कल को आपने ट्रेड लिट मोड को अडोप्ट तो कर लिया लेकिन अगर आपको रास नहीं आया तो फिर आपको ऐसा नहीं है कि खर्चा मतलब बहुत ज़्यादा लग जाएगा, कोई खर्चा नहीं लगेगा। देखो अगर आप इन्वेस्टमेंट मोड को लेकर चलते हो, मतलब तुमने फॉरन मार्केट में जाके इन्वेस्टमेंट कर दिया और कल को आपको लग रहा है कि नहीं यार फॉरन मार्केट अच्छी नहीं है छोड़ो, तो वहां से पैसा निकालना बहुत ही मुश्किल है, ठीक है, आपके लिए थोड़ा कॉस्टली हो जाएगा। लेकिन अगर मैं बात करूंगा ना इसका ट्रेड रिलेटेड मोड का, तो यहां से पैसा निकालना जो है ज्यादा मुश्किल नहीं है, तो थोड़ा ध्यान रखना। मोर ओवर द लो एग्जिट कॉस्ट एड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ वाइंड अप द बिजनेस ऑपरेशन इन वन कंट्री एंड स्विचिंग ओवर टू द अनदर एक्सपेंशन मोड। मतलब ये है कि यहां पे फ्लेक्सिबिलिटी रहेगा आपका। फ्लेक्सिबिलिटी रहने का मतलब ये है कि बहुत जल्दी अगर आपको लगता है कि एक कंट्री जो है हमने पूरी तरह से वो कैप्चर कर ली, अब हम दूसरी कंट्री में एंट्री मारना चाहते हैं, तो आप इजिली जो है पहली कंट्री को स्विच करके दूसरी कंट्री में जा सकते हैं। हाउएवर ए फर्म हैज टू सब्सटेंशियली डिपेंड, लेकिन इसकी एक कमी यह है कि ट्रेड रिलेटेड मोड के अंदर आपको डिपेंड रहना पड़ता है ज्यादा किसके ऊपर, इंटरमीडियरी पे, बोलो तो एक्सटर्नल एजेंसी पे, फॉर इट्स इंटरनेशनल एक्सपेंशन। तो ये है जी कौन सा आपका ट्रेड रिलेटेड मोड। अगर बात किया हमने अभी ट्रेड रिलेटेड मोड का, तो ट्रेड रिलेटेड मोड एक ऐसा मोड है जिसके अंदर पहली बात तो इसको कंपनी कब लेके आती है, इनिशियल फेज में लेके आती है, फर्स्ट क्लियर है। दूसरा ये जो मोड है इसके अंदर क्या होगा कि आपका जो एंट्री के लिए जो आपकी कॉस्ट आएगी वो बहुत ही क्या आएगी, मिनिमम आएगी पहला। दूसरा कल को अगर आप छोड़ के जाना चाहते हैं तो एग्जिट कॉस्ट भी क्या रहेगी, बहुत ही मिनिमम रहेगी। बट इसकी एक कमी जो है वो ये है कि इस मोड के अंदर आपको एक्सटर्नल एजेंसीज के ऊपर जो है वो क्या रहना पड़ेगा, डिपेंड रहना पड़ेगा। ओके क्या जी सर, आई होप क्लियर है। जी सर क्लियर है। अब इसमें सर कौन कौन से मोड जो है वो अवेलेबल है, आइएगा। सबसे पहले नंबर पे आया कौन सा, एक्सपोर्ट। सर एक्सपोर्ट की डेफिनेशन तो आपने करवा दिया, हाँ जी करवा दिया, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा स्पेशल है जो आपको पढ़ाना पड़ेगा। देखिएगा एक्सपोर्ट का मतलब क्या, ये देखिए ये हो गया जी मेरा इंडिया, ठीक है जी, ये हमारा हो गया जी क्या इंडिया। इंडिया से कोई भी सामान अगर आप बाहर लेके जाते हो, कहाँ पे मान लो मैं यूएस से सामान बेच रहा हूँ, इंडिया से सामान मैं लेके गया कहाँ पे, यूएस से, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, एक्सपोर्ट। क्या बोलते हैं, एक्सपोर्ट। ये तो नॉर्मल डेफिनेशन जो हमने पढ़ा भी था, हमारे कस्टम एक्ट 1962 में इसको डिफाइन भी किया गया। तो एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है, इंडिया में आपने कोई भी सामान बनाया और बना के उसको क्या कर दिया आपने जी, एक्सपोर्ट कर दिया, मतलब आपने भेज दिया कहाँ पे, आउटसाइड इंडिया, जैसे यूएस पे भेज दिया, तो इसको बोलते हैं आप लोग क्या, एक्सपोर्ट। अच्छा मेरा एक क्वेश्चन ये है, मान लो इंडिया की एक कंपनी है टाटा, क्या ऐसा हो सकता है कि टाटा ने अपना बिजनेस ऑपरेशन जो है वो यूके में भी एस्टेब्लिश कर लिया हो, बोलो बोलो, हो सकता है। और क्या ये हो सकता है कि यूके में भी टाटा का प्रोडक्शन हो रहा हो सकता है सर। और अगर यूके में भी टाटा का प्रोडक्शन हो रहा है तो क्या ये भी हो सकता है कि यूके से सामान बन बन के यूएस से जा रहा हो, बोलो बोलो, हाँ सर ये भी हो सकता है। इसको भी बोलते हैं एक्सपोर्ट, इसको भी क्या बोलते हैं, एक्सपोर्ट। तो एक्सपोर्ट के अंदर दो तरीके से एक्सपोर्ट को जो है डिफाइन किया गया। एक तरीका तो ये है कि आप होम कंट्री में सामान बना के और होस्ट नेशन में देते हैं, तो ये तो एक्सपोर्ट है। और अगर आप थर्ड कंट्री में सामान बना के और होस्ट नेशन में सामान को बेचेंगे तो वो भी किसका पार्ट माना जाएगा, एक्सपोर्ट का। आइएगा मैं एक बार आपको डेफिनेशन पढ़ाऊंगा, फिर थोड़ा और ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगा। एक्सपोर्ट का मतलब क्या, एक्सपोर्ट में भी डिफाइन ऐसा मैन्युफैक्चरिंग। एक्सपोर्ट के अंदर आप क्या करने वाले हो जी, मैन्युफैक्चरिंग करोगे, किसको, गुड्स को, कहाँ पे, होम कंट्री में या फिर थर्ड कंट्री। होम कंट्री का मतलब तो मेरे एग्जांपल में कौन सा हो गया था, इंडिया, और थर्ड कंट्री का मतलब मेरे एग्जांपल में होगा कौन सा, यूके। तो एक्सपोर्ट का मतलब क्या बोला, एक्सपोर्ट में भी डिफाइन एज मैन्युफैक्चरिंग द गुड्स इन द कहां पे, होम कंट्री में और थर्ड कंट्री में, और फिर शिपिंग कर देंगे उसको। शिपिंग का मतलब होता है भेज देना, फिर भेज देंगे सेल करने के लिए टू द किसको, कंट्री अदर देन द कंट्री ऑफ प्रोडक्शन। मतलब उस कंट्री में नहीं भेजेंगे जहां पे वो प्रोडक्शन हुआ, उसके अलावा किसी नेशन में अगर उस सामान को भेज देते हैं तो उसको बोलते हैं आप लोग क्या, एक्सपोर्ट। आगे एक्सपोर्ट आर यूज एज ए स्ट्रेटेजिक ऑप्शन टू डिस्पोज ऑफ द सरप्लस प्रोडक्शन। तो ये एक ऐसा स्ट्रेटेजिक ऑप्शन है जिसके अंदर आपने सामान का ढेर मार दिया बना बना के, अब वो एक्स्ट्रा सामान का मैं क्या करूं, तो उसको टपाने के लिए जो है वो आप लोग बेसिकली लेके आते हैं किसको, एक्सपोर्ट को। आई होप क्लियर है जी सर। आगे बढ़ते हैं, एक्सपोर्ट जो है वो दो तरीके का, एक है जी कौन सा आपका, इनडायरेक्ट नेचर का इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट, और एक है कौन सा आपका, डायरेक्ट एक्सपोर्ट। पहले अगर मैं बात करूंगा इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट का, तो ये क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट एक ऐसा एक्सपोर्ट होता है जिसके अंदर आप इंटरमीडिएट, देखो इनडायरेक्ट बोल दिया मतलब डायरेक्टली नहीं हो रहा, तो मतलब बीच में आप किसी ना किसी इंटरमीडिएट को लेकर चलते हो। देखो
एक तरीका तो ये है कि जैसे आपकी अच्छी जानकारी है, मेरा क्वेश्चन क्या है, आप जो है वो फॉरेनर्स को अच्छा जानते हो, मतलब ये है कि यूएस के अंदर जो बायर बैठा है वो आपको अच्छी तरह से जानता है, वेल नोन है आपका, फिर तो क्या है कि आपको बीच में किसी भी इंटरमीडियरी को लेकर आने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कभी ऐसा हो गया कि आप एकदम नए प्लेयर हो मार्केट में और आपको कोई लोग ज़्यादा लोग जानते नहीं है, तो उस केस में क्या करें सर? सर उस केस में ये करते हैं कि अपने इंडिया में एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए एक एजेंसी बना रखी है जिसको बोलते हैं एक्सपोर्ट हाउस, ठीक है, या क्लियरिंग एजेंसी बोल दीजिए। तो वो एजेंसी बेसिकली क्या करती है, आपको एक्सपोर्ट करने में क्या करती है, मदद करती है। अगर मान लीजिए एक्सपोर्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ द इंटरमीडियरी, किसी एक इंटरमीडियरी की हेल्प लेके अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं आप लोग क्या, इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट। और अगर आप इंटरमीडियरी की हेल्प के बिना ही अगर मान लीजिए आप एक्सपोर्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं आप लोग क्या, डायरेक्ट एक्सपोर्ट। तो क्या बोलता है, देखते हैं। When a firm sells its product through an export intermediary, जब एक फर्म अपने सामान को बेचती है किसकी हेल्प से, एक्सपोर्ट इंटरमीडियरी की हेल्प से, based in its home country and does not take care of the export activity, और खुद वो export activity नहीं करती है, तो इसको बोलते हैं आप लोग क्या, indirect export। और अगर मैं बात करूंगा किसका, direct export का, तो इसका मतलब क्या होता है, When a company makes its domestically produced product available in the foreign market without employing any market intermediary in the home country is known as the direct export। तो टोटल मिला के दो तरीके से हो गया, एक हो गया कौन सा आपका इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट और एक हो गया कौन सा आपका डायरेक्ट एक्सपोर्ट, हो जाएगा क्या? जी सर, आइएगा। तो अगर इंटरमीडियरी को लेके चल रहे हो इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट, इंटरमीडियरी की हेल्प नहीं ले रहे हो डायरेक्ट एक्सपोर्ट। आगे फिर आएगा जी आपका पिगी पैकिंग। अगला क्वेश्चन ये रहा है सर, ये पिगी पैकिंग क्या होता है? पिगी पैकिंग का एक और नाम जो है वो क्या है जी आपका, कॉम्प्लीमेंट्री एक्सपोर्ट। अब सर ये कॉम्प्लीमेंट्री एक्सपोर्ट क्या होता है, देखिएगा, इंडिया की कोई कंपनी जो है वो ये सोच रही है कि हम यूएस के अंदर जाके, जैसे इंडिया की शूज़ बनाने वाली कंपनी ये सोच रही है, मान लीजिए बाटा, वो ये सोच रही है कि हम यूएस के अंदर जाके जो है वो क्या करेंगे, अपना जूता जो है वो क्या करेंगे, सेल करेंगे। अब यूएस के अंदर जो है वो मान लीजिए ब्रांड चल रहा है कौन सा, नाइकी, कौन सा चल रहा है, नाइकी, और नाइकी के वहाँ पर मान लीजिए 500 आउटलेट है, कितना आउटलेट है 500, और इंडिया की कंपनी है कौन सी, बाटा, और बाटा ये सोच रही है कि हम जाके और सामान बेचेंगे कहाँ पे, यूएस में, और यूएस के अंदर मेन चल रहा है कौन सा, नाइकी। और बाटा ने फिर क्या किया, या तो बाटा जाके और यूएसए के अंदर क्या करे, अपने आउटलेट ओपन करे। अपने आउटलेट ओपन करने का मतलब ये है कि मतलब जाके और अपने जो है वो क्या क्या खोले, अपने शोरूम खोले। या एक तरीका और भी है, और वो ये है कि अगर मान लीजिए कि अपना जो बाटा कंपनी है, अगर उसने टाई अप कर लिया, किसके साथ टाई अप कर लिया, नाइकी के साथ में, और बाटा ने जब नाइकी के साथ में टाइप किया तो ये बोला कि ऐसा है नाइकी, आपके 500 आउटलेट हैं, है ना, तो आप एक काम करो, हम हमारा सामान बना बना के आपको दे देते हैं। मतलब ये है, आप अपने वहां पे नाइकी के शोरूम में नाइकी का जूता तो पड़ा ही रहेगा और साथ में आप हमारे और रख लो, मतलब अब यूएस में नाइकी के शोरूम में एक जूता तो मिलेगा कौन सा, नाइकी का, और दूसरा मिलेगा कौन सा, बाटा का। तो बाटा ने यहां पे क्या किया, बाटा ने फॉरन की कंपनी के डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को क्या कर लिया, यूज कर लिया। इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, पिग्गी बैकिंग। पिग्गी बैकिंग क्या होता है, आइएगा पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ए फर्म मे एक्सपेंड इट्स बिजनेस इन द फॉरेन कंट्री बाय यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, क्या करके, यूज करके किसको, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल और नेटवर्क ऑफ द अनदर कंपनी, इज नोन एज द पिगी बैकिंग और द कॉम्प्लीमेंट्री एक्सपोर्टिंग। द एक्सपोर्टिंग फर्म इज टर्म्ड एज अ राइडर, जो एक्सपोर्टिंग फर्म है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, राइडर, एंड द अदर फर्म विद एस्टेब्लिश डिस्ट्रीब्यूशन चैनल ऑफ द फर्म और टारगेट कंट्री इज नोन एज अ कैरियर। तो मतलब ये जो बाटा है, बाटा को मैं यहाँ पे क्या बोल दूंगा, राइडर। बाटा जो है वो कौन है जी, राइडर। बाटा राइड कर रहा है दूसरी कंपनी के डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के ऊपर, और दूसरी कंपनी नोन एज अ नाइकी, इसको बोल देंगे हम लोग क्या, कैरियर। क्या बोल देंगे आप इसको, कैरियर। आई होप क्लियर है जी सर। इसको बोलते हैं आप लोग क्या, पिगी पैकिंग। पिगी पैकिंग बोल दो, या इसको बोलते हैं क्या, कॉम्प्लीमेंट्री एक्सपोर्ट। आगे बढ़ते हैं, तीसरा जो है वो है जी कौन सा, काउंटर ट्रेड। काउंटर ट्रेड का मतलब है इसके अंदर आने वाले कई सारे ट्रेड अरेंजमेंट है जिसके अंदर बेसिकली जो है वो क्या होता है, पेमेंट जो है वो होता है इन द फॉर्म ऑफ रेसिप्रोकल कमिटमेंट। काउंटर ट्रेड का मतलब क्या, देखो, काउंटर ट्रेड रेफर टू द वेरियस फॉर्म्स ऑफ द ट्रेड अरेंजमेंट। ये अलग अलग तरीके का ट्रेड अरेंजमेंट है वेयर इन जिसके अंदर पेमेंट जो होगा वो कैसा होगा, पेमेंट इज इन द फॉर्म ऑफ द रेसिप्रोकल कमिटमेंट। पेमेंट जो होगा वो रेसिप्रोकल कमिटमेंट के थ्रू होगा फॉर अदर गुड्स और सर्विस रादर देन एंड द एक्सक्लूसिव कैश ट्रांजेक्शन। मतलब एक प्योरली जो कैश ट्रांजेक्शन है वो नहीं होगा, यहां पे क्या होगा कि
रेसिप्रोकल कमिटमेंट के थ्रू होगा। अब सर इसके अंदर आने वाले कौन कौन से ऐसे जो है वो ट्रांजेक्शन्स है जिसको हम काउंटर ट्रेड के अंदर जो है वो इंक्लूड करते हैं, तो उसको मैंने चार पार्ट के अंदर यहाँ पे डिवाइड किया है। आइएगा देखते हैं। सबसे पहले नंबर पे आया जी बार्टर। बार्टर सुना क्या आपने? हाँ सर बार्टर हमने सुना हुआ है। बार्टर के अंदर तो ये होता है ना, गुड्स के बदले में गुड्स हम देते हैं तो उसको बार्टर बोलते हैं जी। बार्टर में बेसिकली क्या होता है, एक सिंगल जो है वो क्या किया जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। जैसे मान लीजिए मैंने अगर आपसे एक किलो चीनी परचेस करी है तो इमीडिएटली जो है आप मुझसे जो है एक किलो चावल परचेस कर लेंगे या व्हाटएवर गुड्स के बदले में कोई भी और गुड्स जो है वो आप ले लेंगे। इसको बोलते हैं आप लोग क्या, बार्टर। देखो बार्टर में क्या बोलते हैं, वन टाइम। पहली बात तो क्या है, ये वन टाइम है, मतलब एक ही कॉन्ट्रैक्ट होगा। नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है यहां पे कितना होगा, एक ही, सिंगल वन ट्रांजेक्शन, ठीक है ना। और यहां पर क्या होगा, बेसिकली वन टाइम डायरेक्ट और साइमल्टेनियस है। साइमल्टेनियस का मतलब एक ही बार में हो रहा है, सॉरी ट्रांजेक्शन तो दो है, ट्रांजेक्शन दो है लेकिन एक ही टाइम पे हो रही है, इमीडिएटली हो रही है, साइमल्टेनियस हो रही है। साइमल्टेनियसली एक्सचेंज ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इक्वल वैल्यू बाय रिमूविंग द मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। जब आप मनी को एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पे यूज ना करके आप क्या करते हैं कि अगर अपने सामान को आगे क्या करते हैं, एक्सपोर्ट कर, मतलब आपने अपना सामान दूसरे पर्सन को दिया और इमीडिएटली दूसरे पर्सन ने अपना सामान आपको दे दिया, इसको बोलते हैं आप लोग क्या, बार्टर सिस्टम। क्या बोलेंगे, बार्टर। एक होता है जी काउंटर परचेज, इसको बोलते हैं पैरेलल बार्टर। ये भी बार्टर जैसा ही है, अगर मैं बात करूंगा काउंटर बार्टर का तो ये भी, ये जो है काउंटर परचेज पैरेलल बार्टर जो है ये भी बार्टर जैसा, नॉर्मल बार्टर जैसा ही है, बट यहाँ पे जो है वो क्या होगा, दो अलग अलग ट्रांजेक्शन होगा, ठीक है, और दो अलग अलग टाइम के ऊपर होगा। लेकिन यहाँ पे होगा क्या, देखो जैसे अगर मान लीजिए मैंने मेरा सामान आपको जो है वो क्या कर दिया जी, सेल कर दिया, और फिर मैं प्रॉमिस करूंगा कि मैं फ्यूचर में आपसे सामान को बाय करूंगा, इसको बोलते हैं हम क्या, काउंटर परचेस। पहला जो था बार्टर, उसमें क्या था, इमीडिएटली मैंने तुम्हें अपना सामान बेचा और तुमने इमीडिएटली अपना सामान मुझे बेच दिया, ये तो है बार्टर। लेकिन अगर मैं बात करूंगा काउंटर परचेस का तो वहां पे क्या होगा, मैंने तुम्हें अपना सामान बेचा लेकिन तुमने मुझसे प्रॉमिस किया कि सर फ्यूचर में आपसे ले लेंगे। क्या लिखा हुआ है, प्रॉमिस टू मेक ए फ्यूचर परचेस ऑफ ए स्पेसिफिक प्रोडक्ट फ्रॉम द सेम कंपनी इन दैट कंट्री, तो इसको बोलते हैं आप लोग क्या, काउंटर परचेस। आई होप क्लियर है जी सर। तो काउंटर परचेज के अंदर क्या होता है, देखो जो प्योर बार्टर है उसके अंदर तो क्या होगा, दो ट्रांजेक्शन लेकिन साइमल्टेनियसली हो रही है, लेकिन यहाँ काउंटर परचेज के अंदर ट्रांजेक्शन तो दो हैं बट वो साइमल्टेनियसली नहीं हो रही है। आई होप क्लियर है जी सर। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखा जाएगा जी कंपनसेशन ट्रेड। कौन सा, कंपनसेशन ट्रेड। सर ये कंपनसेशन ट्रेड क्या होता है, कंपनसेशन ट्रेड एक ऐसा ट्रेड होता है जिसके अंदर एक कंपनी जो है वो दूसरी कंपनी को जो है वो क्या करेगी, कैपिटल गुड्स प्रोवाइड करेगी, जैसे लैंड दे दिया, मशीनरी दे दिया, बिल्डिंग प्रोवाइड करवा दिया, ये प्रोवाइड करेगी और फिर क्या करेगी, रिटर्न में क्या करेगी, रिटर्न में उसी कंपनी के प्रोडक्ट्स को क्या कर लेगी, बाय कर लेगी। क्या क्या लिखा हुआ, देखो यहाँ पे कैपिटल गुड्स जो है वो क्या करेंगे, प्रोवाइड। देखो बाय बैक का मतलब तो वैसे ये होता है कि एक बार सेल करना, बाद में दोबारा से क्या कर लेंगे, उसको बाय कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे बाय बैक का वो मतलब नहीं है, यहाँ पे थोड़ा स्पेशल है। और यहाँ पे क्या है, कंपनसेशन ट्रेड में कंपनी जो है वो क्या करने वाली है, अपने कैपिटल गुड्स को प्रोवाइड करेगी, अपनी टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करेगी और ये बोलेगी हमें कंपनसेशन के नाम पे ना आप क्या करना, जो हमने आपको हमारी टेक्नोलॉजी प्रोवाइड किया उस टेक्नोलॉजी को यूज करके जो आपने फिनिश प्रोडक्ट बनाया वो फिनिश प्रोडक्ट आप हमको क्या कर दो, सेल कर दो। देन रिटर्न में क्या करेगी, बाय करेंगे प्रोडक्ट विच इज मेड फ्रॉम दिस मशीनरी, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, कंपनसेशन ट्रेड। आई होप हो जाएगा, बोलो जी सर। तो ये है जी कौन सा आपका, कंपनसेशन ट्रेड, ये इसी को बोलते हैं आप लोग क्या, बाय बैक। इसके बाद एक लास्ट जो है वो है कौन सा आपका, स्विच ट्रेडिंग। अगर मैं बात करूंगा किसका, स्विच ट्रेडिंग का, तो सर ये स्विच ट्रेडिंग क्या होता है, स्विच ट्रेडिंग भी एक ऐसा ही प्रैक्टिस है जिसके अंदर हम फ्यूचर के अंदर जो, मतलब हम क्या करते हैं कि मान लीजिए मैंने कोई सामान को परचेस करना था, मैंने दूसरे पर्सन से कॉन्टेक्ट किया कि मैं तुमसे अपने सामान को क्या करूंगा, परचेस करूंगा, बट अब मुझे नीड नहीं है तो मैंने मेरी जो ओब्लिगेशन थी परचेस करने की, बाइंग ओब्लिगेशन थी, वो मैंने मान लीजिए आपको दे दी, मैंने बोला कि या तुम मेरे बिहाफ पे क्या कर लो, परचेस कर लो, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, स्विच ट्रेडिंग। मतलब ट्रेड को मैंने क्या कर दिया, स्विच कर दिया, जो पहले मेरे को करना था अब मेरे बिहाफ पर आप करेंगे। क्या बोलते हैं, इट इज ए प्रैक्टिस, ये एक ऐसा प्रैक्टिस है जिसके अंदर क्या किया जाएगा, इन विच वन कंपनी सेल करेगी टू अनदर इट्स ऑब्लिगेशन, एक कंपनी जो है वो दूसरी कंपनी को अपनी क्या दे देगी, ऑब्लिगेशन दे देगी टू मेक ए परचेज इन द गिवन कंट्री, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, स्विच ट्रेडिंग। हो जाएगा क्या जी सर। और लास्ट जो है ना वो कौन सा, ई कॉमर्स। ये तो नॉर्मल सा है, इलेक्ट्रॉनिकली सामान को सेल परचेज जब आप करते हैं तो उसको बोलते हैं बेसिकली आप लोग क्या, ई कॉमर्स। तो ये जो सब हमने पढ़ा, ये सब कौन से हमारे, ये है जी ट्रेड रिलेटेड मोड। तो ट्रेड रिलेटेड मोड के अंदर बेसिकली जो है वो कितने हो गए आपके, चार। अभी चार कौन कौन सा पढ़ा, सबसे पहले नंबर पे जो है वो कौन सा आया आपका, एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट में दो है, एक है डायरेक्ट और एक कौन सा आपका, इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट एक ऐसा एक्सपोर्ट है जिसके अंदर आप इंटरमीडिएट को लेके चलते हो, डायरेक्ट एक्सपोर्ट एक ऐसा एक्सपोर्ट है जिसमें आप किसी भी इंटरमीडिएट को यूज नहीं करते। दूसरा कौन सा आपका, पिगी बैकिंग। पिगी बैकिंग को बोलते हैं हम लोग क्या, क्या बोलते हैं,
कॉम्प्लीमेंट्री एक्सपोर्ट। तो पीकी पैकिंग में क्या होगा, एक कंपनी दूसरी कंपनी के डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को जो है वो क्या करने वाली है, यूज करने वाली है। तीसरे नंबर पे क्या आएगा, काउंटर ट्रेड। अब काउंटर ट्रेड के अंदर टोटल मिला के कितने पड़े हैं, चार। और फिर लास्ट नंबर पे जो है ना वो कौन सा आपका, ई-कॉमर्स। ई-कॉमर्स बोल तो इलेक्ट्रॉनिकली कॉमर्स, इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिकली बाइंग एंड सेलिंग करना किसका, गुड्स का, या इलेक्ट्रॉनिकली जो है वो जब आप क्या करते हैं अपने सर्विसेज को रेंडर करते हैं तो उसका बोलते हैं आप लोग क्या, ई-कॉमर्स। कर लोगे जी सर। ये है जी हमारे कौन से, ट्रेड रिलेटेड मोड। इसके बाद में बचा कॉन्ट्रेक्चुअल मोड, वो पढ़ेंगे हम कल। और कॉन्ट्रेक्चुअल मोड के बाद में फिर एक है इन्वेस्टमेंट मोड, ये होके अपना मोड से वो क्या हो जाएंगे, कंप्लीट। तो बैरियर्स वाला टॉपिक मैंने कंप्लीट कर दिया। कल हमने ड्राइवर्स भी पढ़े थे, ड्राइवर ऑफ द ग्लोबलाइजेशन। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़े हैं, वो लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ वो लेक्चर जरूर देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है वो, कि कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिसके थ्रू, मतलब कौन कौन से ऐसे वे हैं या रीज़न क्या क्या है जो कंपनीज जो है या कंट्रीज जो है वो आपस में क्या हो रही हैं, ग्लोबलाइज हो रही है, इंटीग्रेट हो रही हैं। तो वो मैंने कल वाले लेक्चर के अंदर डाला था, तो आप देख लीजिए वहाँ से। ओके जी सर, चलो इसको यहीं कंक्लूड करते हैं ट्रेड रिलेटेड मोड को, बाकी जो है वो करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। और रुको रुको रुको, अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो अच्छा अच्छा कमेंट जरूर कीजिएगा यार, कमेंट टाइप करते हो तो बड़ा मोटिवेशन मिलता है, ठीक है ना। तो अच्छा अच्छा कमेंट कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी इसको थोड़ा सा शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी जो है वो क्वालिटी जो है वो मिल सके। ओके बोलो, करेंगे ना जी सर, करेंगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।